छह फसली है सौंफ, तो कॉम्बिनेशन जो बनता है ये है किसान भाइयों, देसी मेथी, ये गोआधारित प्राकृतिक खेती की मेथी है और मैं पिछले 3 साल से इसका बीज अपने खेत में बोता हूँ और बहुत ही सुगंधित मेथी है ये। चना की आप फसल देखिए मेरी, ये चना है, मेरे लास्ट दिसंबर में बोया था। खीरा के साथ हरा धनिया क्या बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, और खीरे के पौधे देखिए एकदम हरे भरे शानदार पौधे देखिए आप, और साथ में ही धनिया जो पत्ती बन चुकी है और ये बहुत शानदार उत्पादन देता है। खीरे के साथ बहुत अच्छा इसका सह फसली कॉम्बिनेशन रहता है। ये अलसी के पौधे हैं, पूरे खेत में लगा हुआ है ये अलसी, और ये प्राकृतिक अलसी है किसान भाइयों, और इसी की सह फसल में हमने धनिया लगाया हुआ है। ये धनिया का बीज पिछले साल भी हमने अपने खेत में किया था, फिर दोबारा हम बीज प्रयोग कर रहे हैं तो अपना ही कर रहे हैं, देसी बीज है ये, और आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से धनिया के जो दाने हैं बहुत अच्छे हैं, और अलसी में भी दाना पड़ना शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। दोस्तों ये इनकी गाय है, देख सकते हैं कितनी सुंदर गाय है, इसका नाम है चारू। एक और है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और देखिए ये पहली बार माँ बनने वाली है। भाइयों चना की फसल के बाद अतिरिक्त जगह बची उसमें मैंने टमाटर की नर्सरी लगाई हुई है, ये आप देख सकते हैं पौधे कितने सुंदर और सुलभ हैं, और उधर प्याज का बीज भी लगा हुआ है अतिरिक्त जगह में जो चना के बाद जगह बची हुई, तो करीब 2 एकड़ के लिए ये पौध हो जाएगी। हम इतनी मेहनत से खेती कर रहे हैं प्राकृतिक खेती, और बेड भी बनाते हैं और गौमूत्र लगाते हैं, जीवामृत लगाते हैं, और फिर भी हमारी फसल कम दामों में बिक रही है। सरकार हमारी चीज़ अच्छी पैसों में बिचवावे, अच्छी क्वालिटी में बिचवाए तो हमें ज़्यादा फायदा होगा। हम किसी तरह की नहीं खाद लगाते, नहीं कोई रासायनिक चीज़ लगाते, जीवामृत गौमूत्र से और कीटनाशक भी बनाते हैं घर पे ही, और कड़ी मेहनत करते हैं। देसी गाय को पालें और उसका दूध पिएं और उसका गौमूत्र और गोबर उसमें प्राकृतिक खाद में, तभी हम सब लोग जुड़ेंगे, तभी तो सरकार हमें कुछ देगी फ़ायदा। देखिए सचिन जी, जो हम खेती कर रहे हैं 3 साल से, तो बाज़ार की बात तो हम तो फरोजाबाद मंडी में बेच देते हैं जिस भाव बिकता है उस भाव, उसके बाद हमारे लिए नखलऊ से मुख्यमंत्री जी के यहाँ से और सूर्य प्रताप साई उसमें मीटिंग में थे तो हम गए, हम लोगों ने अपनी बात रखी तो उन्होंने हमसे वादा किया है कि हम आपके लिए प्लेटफॉर्म देंगे, जो प्राकृतिक किसान हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म देंगे, तो लेकिन अभी तो कोई सुविधा नहीं हुई है और फिरोजाबाद मंडी ही बेच देते। ये अलग उसका एक केंद्र होना चाहिए, वहाँ से बिक्री हो तो लोगों को एक मैसेज भी जाएगा, उनको लगेगा कि ये वाकई में, फिर वो पूछने की कोशिश भी करेंगे। अभी हम जिस तरह अपनी जो सब्जी मंडी है वहाँ हम अपनी सब्जियाँ, जैसे आपने खीरा लगाया है, इसको अगर वहाँ हम रख दें तो गधे घोड़े एक लाइन में दौड़ने लगते हैं वहाँ। बाज़ार की बात करूँ तो मैं और आप बहुत अलग नहीं है, एक ही बात है। यहाँ से आधा किलोमीटर मेरे खेत हैं और लगभग कुछ दूरी पर ही कुछ मेरे खेत, और हम दोनों लगभग एक ही जैसी कंडीशन है। हम बाहर कितना बेच सकते हैं बहुत कम मात्रा में, ऐसा नहीं है कि हम पूरी फसल अपनी बेचते हैं, कि अभी आपने जिस तरह इसमें आलू लगाया है तो पूरी आलू की फसल आप प्राकृतिक के रूप में कहीं एक जगह नहीं दे सकते, इतना बड़ा केंद्र अभी तक नहीं है कोई। हाँ, दूसरी बात, अभी प्रमाणित भी नहीं है। हम चाहते हैं कि हम सभी कृषकों को आकर हमारी फसलें देखें, हमारी एक्टिविटी देखें और हमको प्रमाणित करें, जिससे हम बाज़ार में अपने उत्पाद और अपनी बात रखने में हमको कोई समस्या ना आए, हाँ सक्षम हो जाएं एक तरह, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि हम अपनी ज़िले की जो मंडी है, मंडी समिति, उसमें ये चाहेंगे कि वहाँ एक प्राकृतिक खेती के उत्पादों का एक
एक केंद्र या एक दुकान होनी चाहिए और वहाँ, और किसानों की जिम्मेदारी ये है कि वो अपना माल, जैसे हम इसीलिए हम समूह में काम कर रहे हैं क्योंकि हम सब किसान मिलकर कई चीज़ें उगाएंगे जिनमें दलहन, तिलहन, सब्जियां, फल सारी चीज़ें होंगी और फिर हम अपने समूह के नाम से उनको पैक करके वहाँ अपना टैग लगाएंगे, उसमें नाम लिखेंगे और वो वहाँ उस दुकान पर जाएगा मंडी समिति में, जहाँ एक पूरा वहाँ से फिर बाकी की डिस्ट्रीब्यूशन और लोगों तक ये मैसेज भी पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। लोगों को आकर्षित करने की कोशिश करेंगे कि लोग किस तरह जुड़ें, वो पढ़ें उस पर ये है क्या, फिर उनको पता चले कि ये अलग ही पद्धति की चीज़ है, इसको अलग तरीके से उगाया गया है, ये अलग ही तरीके का बीज है, देसी बीज है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई रसायन नहीं है, ये बिल्कुल शुद्ध प्राकृतिक है, तो वो आकर्षित हो सकता है। और रही बची जो बात होती है प्राकृतिक खेती के उत्पादों में, वो स्वाद पूरा कर देता है, वो इतने स्वादिष्ट होते हैं कि वहाँ वो कहता है कि हाँ ये बिल्कुल वही चीज़ है जो हम चाह रहे हैं। तो जी वैसे मैं समझता हूँ सचिन जी, हम और आप 200 जने खेती कर रहे हैं, उससे हमारा फिरोजाबाद मुझे तो औरों की वजह बहुत अच्छा लगा कि लोग पसंद कर रहे हैं, लोग पहचान रहे हैं कि हम कोई चीज़ ले जाएं प्राकृतिक के नाम से तो उन्हें पता है कि ये ईमानदार लोग हैं और हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी किसान ही होना है, हम कोई नौकरी के निर्भर तो नहीं है, है ही नहीं, तो हमें तो खेती करनी है। तो मैं एक बार ऐसा हुआ, यही अपने घर के पास सड़क पे तसले में रख के आलू बेच रहा था पिछले महीने, सही तो एक सज्जन आए के क्यों भाई कैसे कह सकते हो कि आपका ये प्राकृतिक है, डाई यूरिया नहीं लगा। तो मैंने उनसे कहा कि भाई तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैंने कहा आपके खेत की मेड़ 6 इंची पड़ोसी को दे के आऊँगा, ठीक है, कि क्यों दे दोगे, तुम कौन होते हो। तो मैंने एक बच्चे को बुलाया, मैंने कहा यहाँ आना बेटा, वो छोटा बच्चा था, तो मैंने उस बच्चे को बुलाया कि यहाँ आना, मैंने कहा ये स्कूल किसकी जगह में मनाया है, उसने कही कि बाबा तुम्हारी जगह में, मैंने कहा गांव के पल्ली तरफ किसकी जगह में मनाया है कि बाबा तुम्हारे में, मैंने कहा भैया हम लोग हैं जो अपनी ज़मीन में सरकारी स्कूल बनवा सकते हैं, तो पैसा सबको पैदा करना है, हम भी जानते हैं उसकी कीमत क्या है सड़क पर, मैंने कहा अब बता तू 6 इंची मैट दे दे। तब हमने उसे समझाया कि हमें इतने ही पैसे के लालची होते तो अपनी ज़मीन सरकार को क्यों देते थे। तब वो आदमी समझा, फिर वो मेरे आलू वैसे 40 रुपये धरी बिक रहा था, उसने कही कि भाई क्या रेट है आपकी, मैंने कहा मेरे की 60 रुपये धड़ी की रेट है, तो उसने बेचारे ने लिए, तब से वो मेरा ग्राहक बन गया। अब तो मैसेज पहुंचाना बहुत जरूरी है, वो बात रखना, लोगों को समझाना बहुत जरूरी है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि नुक्कड़ कार्यक्रम होने चाहिए सरकार के द्वारा, हर प्रोग्राम में हर गतिविधि जो होती है सरकारी, जहां 10-20-50 लोग इकट्ठे होते हैं, हम दोनों समय भोजन करते हैं और यहां भोजन की बात है। DM साहब ने भी सम्मानित किया हमें और प्रशस्ति पत्र भी दिया, हमारे KVA के डॉक्टर भी हमारे यहाँ अभी आए थे, हमारे यहाँ के जिला स्तरीय जो अधिकारी हैं कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र, हमारे यहाँ के उच्च स्तरीय अधिकारी, वो सब प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो इस विषय को समझ रहे हैं, इसमें अपना उन्होंने विश्वास जताया और अब वो सब इस बात को मान करते हुए हम सब किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, हमें बढ़ावा दे रहे हैं। सचिन भाई इस मैसेज को हमारे पूरे देश में पहुँचाना चाह रहे हैं इसके माध्यम से कि आदमी के अंदर अपनी सोच को नहीं बदलेगा जब तक बढ़ावा नहीं होगा। आप देखिए कि कैसे नहीं हो रही, हमने आलू के ऊपर किया, सब्जियों के ऊपर किया, अगले 3 सालों से खीरा के ऊपर हो रहा है, तमाम तरह के बीज देसी पैदा हम लोग कर रहे हैं। तो किसान की आर्थिक स्थिति जब तक नहीं बदलेगी, जब तक इस प्रारूप को नहीं समझेगा, हम जो गौ आधारित प्राकृतिक खेती जो किसान कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि कुछ दिनों बाद ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इतना बड़ा एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है और समय समय पर हमारे सरकारी अधिकारी कर्मचारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज का नया ताजी है कि सरकार हमको किसानों को जो गाय लेना चाह रहे हैं गाय प्रोवाइड करा रही, सरकार उनके लिए खर्चा दे रही है, उनको जो भी 900 रुपये महीने हैं, तो एक गाय हमारा हम इस बात पर पहुँचे 3 साल के अंदर ये देखा अपना, हमने इतना बड़ा साहस जाकर देखा कि एक गाय से हमारी करीब करीब
20-22 बीघा खेती हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमने खुद किया, हमारे खेत है, गेहूँ खड़े हैं और हमारे सब ग्रुप के गेहूँ खड़े हैं। आप ये पास में सामने देख रहे हैं कितना बेहतरीन गेहूँ खड़ा हुआ है, ये जो कि देसी से ही लगाया गया, करनाल से आया था। और तमाम तरह के जितने भी हैं यहाँ, हमारा ऐसी कोई चीज़ सब्जी बाकी नहीं है, अनाज बाकी नहीं, जो कि नहीं हो रही। सरसों भी हो रही है, दालें भी हो रही हैं, उनके बीज भी हम संवर्धन कर रहे हैं देसियों के। चारा भी यहाँ एक वाला पशुओं के लिए देख रहे हैं आप, ये चारा देख रहे हैं, चारा खड़ा हुआ है का प्राकृतिक खेती का जो मॉडल बना है, उसमें कैसे चारा लगाया, क्या इसका वो है तरीका है, तो हम इसको बताना चाहेंगे। देखें, आप सामने देख रहे होंगे ये जो खेत प्राकृतिक रूप से हो रहा है, इसके जो साइड में दूसरा खेत है, इसके बीच में एक मेड़ बनी हुई है और मेड़ के बाद में इधर देख रहे हैं आप कम से कम 4-5 फुट में, और देखिए ये जो है नेचुरल चारा लग रहा है। तो इसके बारे में विशेष तौर से बताऊंगा। देखिए कि ये हमारा चारा ऐसा चारा है कि इसके लिए न तो हमें बाज़ार से बीज लाना पड़ता है और ना ही इसके अंदर दवा देनी पड़ती है। और जब पशु खाता है, जब दूध देता है ना, उससे दूध में क्वालिटी इसकी बढ़ रही है। तो इसके कितने लाभ हो गए चारे के, इसकी लंबाई करीब करीब 7-8 फुट तक लंबाई इसकी बढ़ जाती है। और अभी शुरू हो रहा है, गर्मी के दिन आगे बढ़ना चालू होगा तो हमसे भी ऊंचा निकल जाए, काफ़ी ऊंचा हो जाता है, उसके बार बार काट देते होता रहता है। तो बताइए, इसकी जड़ लगा दो या डंडा लगा दो, जो भी है इसका लगा दो, बाज़ार से भी नहीं लाना पड़ता और कीड़ा भी लगता। दूसरा, दूसरे खेत से इसके अंदर कोई भी जहरीला प्रकोप इसके अंदर नहीं हो पाता, किसी तरह का जैसे पानी वगैरह कुछ नहीं आता इस खेत के अंदर। इस तरह का मॉडल बनाया है हमारे राजपाल सिंह जी ने। जी, मेरा ये सोचना था कि मैं प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। सुभाष पालेकर जी ने बताया है कि प्राकृतिक खेती करने वाले दूसरे खेत का पानी अपने खेत में ना आए, और दूसरे जैसे यूरिया या अन्य पेस्टिसाइड छिड़काव कर रहे हैं तो मेरे खेत में नहीं आया। उसके लिए मैंने 7 फीट में 3 बेड बनाए हैं ये चारे के। राजपाल जी, आपने कहाँ से सुना इसके बारे में, आपने ऐसा मॉडल बना दिया? सुभाष पालेकर जी से सुना था। तो मेरी सुभाष पालेकर जी से मैं मिल तो नहीं पाया, लेकिन वीडियो देख के मैंने ये अपने खेत के चारों तरफ इसी तरह का मॉडल बना रखा है। अच्छा, और कुछ फ़ायदा देखा इसका आपने? गर्मी के दिनों में क्या फ़ायदा मिलेगा इससे, क्या पता है आपको? गर्मी के दिनों में लू से भी बच जाएगी मेरी फसल। अरे वाह वाह, देखो लू से भी बचेगा, प्लस इसका एक और है, इसका टेम्परेचर जो है एक समतुल्य रहेगा, इससे बढ़िया फसल होगी, ऐसा भी माना जाता है। बिल्कुल माना जाता है। जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उससे भी खेत बचेगा हमारा। उन्होंने कहा कि कैसे पता कर लेंगे कि हमारे खेत में डाई यूरिया लगा है कि नहीं लगा है? तो आप देख रहे हैं ये हरी हरी मिट्टी, पूरी हरी मिट्टी हो गई है ना? इसको छुएंगे तो ऐसे बाल जैसे, इसमें कवक है ये। हाँ, ये कवक बोलते हैं इसे, और कवक है ये। हाँ, अच्छा कवक है ये। अगर खेत में डाई लगी होगी तो पानी लगने के बाद जैसे ही उठ आएगी, लाल खेत पूरा लाल हो जाएगा। ये पहली पहचान है, बिना मिट्टी टेस्ट के मैं बता दूंगा, मैं दावा करता हूँ। क्या बात है, मैं बता दूंगा कि इसमें डाई लगी है कि इसमें नहीं लगी है। इसकी खुशबू, हाँ, छूने से ये देखिए क्वालिटी देखिए मिट्टी की आप। हाँ, ऐसा लग रहा है कि इसमें वजन ही नहीं है। देखिए खीरे का पौधा देखिए आप, बढ़िया चल रहा है एकदम फर्स्ट क्लास। बिल्कुल, ये देखिए सामने, और अभी तो कोई दिक्कत नहीं आई इसमें। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। मैंने वीडियो में आपको अगले वीडियो में हम आपको 10 पर्णी अर्क बनाना सिखाएंगे, जिसमें ये जैसे 1 एकड़ खीरे की फसल है तो इसमें 10 पर्णी अर्क की लगभग 100 लीटर की आवश्यकता पड़ सकती है। पड़ सकती है। हाँ, तो उसके लिए हम 200 लीटर 10 पर्णी अर्क, जो सही सटीक फॉर्मूला है गुरुजी ने जो बताया है सुभाष पालेकर जी ने, वही उसी विधि से हम आपको 10 पर्णी अर्क बनाना सिखाएंगे, बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आगे वो है, 10 पर्णी का वीडियो आने वाला है, मैं उसको भी जल्द आपको अपलोड करूँगा। सचिन जी, मेरा सभी किसान भाइयों से विनम्र निवेदन है कि मेरा गांव मणिपुरा है, हाईवे के पास पड़ता है, और आपका गांव साथी है, तो हमारा ये है कि हमारे यहां से 10 पर्णी अरक या जीवामृत या गौमूत्र जो भी चाहिए वो हम सब कुछ देते हैं लोगों को। कुछ लोग कल आए थे पतपत्नी के, हमें खेती करना सिखाओ, वो नंदपुर गांव के थे, यहां से फिरोजाबाद के लिए पानी आ रहा है।
उसी गांव में थे। मैंने कहा आइए, आपका स्वागत है, हम आपके साथ चलेंगे। तो हमारे पास रोज़ाना आदमी जुड़ रहे हैं, किसान जुड़ रहे हैं, समझ रहे हैं। और मैं जानता हूँ कि ये क्रांति, प्राकृतिक क्रांति आने वाली ही है और सरकार हमारी मदद करेगी, हमें ऐसी पूरी आशा है। युवाओं के लिए आपकी ओर से क्या संदेश है, जो किसानों के बेटे हैं जिनके पास छोटी छोटी ज़मीनें बची हुई हैं, एक एक एकड़, आधा आधा एकड़ या उससे ज़्यादा, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, वो जो खेती भी कर रहे हैं लेकिन अभी तक उनको कुछ नहीं सफलता? देखो, मैं अपने अनुभव साझा करूँगा नौजवान किसानों के लिए कि वो इस प्राकृतिक खेती में आएँ, अधिक से अधिक लाभ कमाएँ। और सबसे अच्छा ये है कि हमें जनजीवन को, पर्यावरण को, हमारी धरती माँ को, सबको बचाना है। तो इस डाई यूरिया और कीटनाशक दवाओं से छुटकारा पाकर इस प्राकृतिक खेती में आए। हमारी सरकार बहुत कुछ कर रही है प्राकृतिक किसानों के लिए, और हमारे जो युवा किसान हैं सचिन जी, वो हमसे पहले खेती करते थे, इन्हीं की सलाह से हम भी खेती करना शुरू हो गए। इन्होंने, हमारा 20 लोगों का ग्रुप है और युवा किसान अधिक से अधिक संख्या में, अपने आप को छोटा ना समझें, किसी के पास छोटी ज़मीन है तो अपने आप को छोटा मत समझ के बैठे रहिए। ज़्यादातर लोग खेती को अभी नकारा, उन्होंने कह दिया है कि खेती मत करो, नौकरी करो जाके। जहाँ आप भाग रहे हो बस वही समाधान है। उस गाय को आप दौड़ा दौड़ा कहीं मत छोड़ो, अपने घर पर लेके आओ उसको, उसका गोमूत्र कलेक्ट करो, गोबर कलेक्ट करो और उस खेती में अपना प्रारंभ करो, छोटी सी जगह में स्टार्ट करो। और लोग क्या कहेंगे, देखो लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहते हैं तब जब कोई व्यक्ति लीक से हट गया, कह सकते हैं। जो अभी अधिकतर लोग जिस तरह काम कर रहे हैं, जिस तरह बोल रहे हैं, जिस तरह वो खा रहे हैं, पहन रहे हैं, जिस तरह की उनकी जीवन शैली, अगर आप उनसे हट के कुछ जीने की कोशिश करोगे या करने की कोशिश करोगे या बोलने की भी कोशिश करोगे तो लोग आपको हो सकता है कुछ और घोषित कर दें। तो वो उनकी हर जगह की और हर समय की ये चीज़ें हैं, ये हमेशा से रही है और हमेशा रहेंगी, ये चीज़ कहीं नहीं जा सकती है। सचिन जी, मैंने ये आलू किया था, आपने देखा, पूरी टीम ने देखा, पूरे ज़िले ने देखा, अधिकारी लोग आए जी, ठीक है। उसके बाद खुदाई पे भी आपने देखा, इस खेत में 125 कट्टे निकले। फिर मैंने खीरा क्यों लगाया, दो चीज़ें हमारे दिमाग में कि आलू नहीं हो सकता गौधारित खेती से, खीरा नहीं हो सकता गौधारित खेती से, तो मैंने इसलिए खीरे की फसल लगाई। और मैं समझ रहा हूँ मेरे पौधे इतने स्वस्थ हैं, इन्हें देख के मुझे बड़ा प्रसन्नता है कि जो मेड़ है, क्यारी है, उस पर आप देखेंगे ये सौंफ लगी हुई है हर जगह। मैं आपको करीब से और दिखाऊंगा। और चना और अलसी के बीच में जो अतिरिक्त जगह खाली पड़ी हुई है वहाँ देख सकते हैं, ये इन्होंने टमाटर की शानदार पौध लगाई है और बहुत ज़्यादा जगह में है, लगभग 2 एकड़ के लिए तो इतनी पौध पर्याप्त हो जाएगी मुझे लगता है। आपको मैं चना दिखाऊँ, देखिए क्या खूबसूरत चना है, देखिए ये इनकी चना की फसल है देखिए। और ये इनका पिछले 4 वर्षों से इन्हीं के यहाँ ये बीज चला आ रहा है, पिछले 4 वर्षों से इसी को ये बोते हैं और इसी को खाने में इस्तेमाल में लेते हैं। बहुत स्वादिष्ट है, बारीक चना है। और आपको दूसरी फसलें और दिखाता हूँ, जैसे चने के बगल में आप देख रहे होंगे ये प्याज की नर्सरी है, और ये 2 बेड हैं बड़े बड़े, काफ़ी जगह में है, तो ये भी लगभग 1 एकड़ के लिए हो जाएगी। ये सह फसल ये सौंफ, तो कॉम्बिनेशन जो बनता है वो है बीच में नर्सरी के लिए जो बेड है उसमें नर्सरी, टमाटर की नर्सरी, सबसे पहले अलसी, अलसी के बाद अलसी के साथ धनिया, उसके बाद सौंफ, उसके बाद चना, चना के बाद फिर टमाटर की नर्सरी, उसके बाद फिर चना, उसके बाद टमाटर की नर्सरी, फिर सौंफ, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ ये प्याज की नर्सरी और सौंफ। और ये देखिए, इसके बाद फिर यहाँ आपको मैं दिखाता हूँ गाजर का बीज तैयार हो रहा है, गाजर फूलने वाली है, और साथ में ही देसी मेथी का बीज तैयार हो रहा है, वो देखिएगा। ये किसान भाइयों, देसी मेथी, ये गोआधारित प्राकृतिक खेती की मेथी है, और मैं पिछले 3 साल से इसका बीज अपने खेत में बोता हूँ और बहुत ही सुगंधित मेथी है ये। देखिए मेथी की कितनी अच्छी खुशबू है, इनके फूलों की मधुमक्खियाँ कितनी आ रही हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं।
सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो।